सो लेट्स स्टार्ट. तैयार है सभी? ओके, सबसे पहले हम रीडिंग की बात करें तो आप रीडिंग में जिसे नॉर्मली कुछ भी पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको एक टेक्स्ट दिया, सबसे पहले स्टोरी की बात करें अपन, अ डिसोनेस्ट मिल्कमैन. क्या टाइटल है स्टोरी का? देखो भैया, आप में से कुछ लोगों ने ये स्टोरी को इतना अच्छे से पढ़ा है कि इस स्टोरी के पूरे सीन और आई थिंक पूरा सब कुछ आपको याद है कि स्टोरी में क्या होता है क्या नहीं होता है ना, सब कुछ आपको पूरा अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड है ना. एम आई राइट और रॉन्ग? पक्का ना? Yes, सबको अच्छे से क्लियर है? Yes, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्टोरी जो है, आप सबसे पहले अगर इस स्टोरी को पूरा पढ़े तो इसमें आपको कहीं भी कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का नहीं मिलेगा. मतलब सबसे बड़ी कॉमन चीज क्या देख रहे हो इसमें? पास्ट. क्या देख रहे हो? वो पास्ट भी कौन सा पता है? सब्जेक्ट वी टू प्लस ऑब्जेक्ट. मतलब इन शॉर्ट क्या है तो कौन सा पास्ट? सिंपल पास्ट टेंस. मतलब स्टोरी के अंदर आपके जितने भी सेंटेंसेस आपको मिलते हैं वो सब आपको किसके मिले भैया? सिंपल पास्ट टेंस के. मतलब एक बात तो दिमाग में क्लिक हो गई कि अगर इस स्टोरी को पढ़ना है और समझना है तो हमको क्या आना चाहिए? सिंपल पास्ट टेंस पर हमारी कमांड होनी चाहिए, तो ही हम इस स्टोरी को समझ पाएंगे. ये है ना? अरे सही है. अब देखो कैसे हम इसकी हिंदी निकाल सकते हैं और कैसे हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं, राइट? तो उसका फंडा क्या है? आप सबसे पहले तो ये देखिए, आप पहले पूरी स्टोरी को समझ लीजिए. उसके अंदर आप उसको पढ़ने के बाद जितने भी उसमें टफ वर्ड्स आ रहे हैं उन सबसे पहले टफ वर्ड्स की एक लिस्ट बना लीजिए. समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्या करना है हमको? जितने भी आप पढ़ेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है, उसमें पूरे टफ वर्ड्स की लिस्ट बना लेनी. क्योंकि भैया आपको बता दूं मैं, जो आप स्टोरी पढ़ेंगे मे बी कि वो स्टोरी जो है, आप सबसे पहले तो हिंदी मीडियम से, तो हो सकता है कि वो स्टोरी आपको टफ लगे और हो सकता है कि कुछ भी समझ में नहीं आए, है ना. जैसे मान लो आपने स्टोरी जो है 10 लाइन की है, तो 10 लाइन की स्टोरी में आपको करीब 20 से 30 वर्ड टफ मिल गए, तो आपके लिए क्या होगा पता है? समस्या ये हो जाएगी कि आप उस स्टोरी को समझ ही नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा. तो सबसे पहला काम क्या करना है पता है? उस स्टोरी को ये जितने भी टफ वर्ड्स हैं उनके सबकी पहले तो लिस्ट बना लो. लेकिन एक बार पहले पूरा पढ़ लो, उसके बाद क्या कर लो, उसको लिस्ट बना लो. ये मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव कैसे सॉल्व करना है वो नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ रीडिंग कैसे करना है. क्योंकि रीडिंग आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप करोगे मैम, तो ही हमारा स्पीकिंग, लिसनिंग, ये सब चीज़ें इंप्रूव होंगी. रीडिंग लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और आप किस कोई सा एग्ज़ाम भी दे, दुनिया का कोई सा भी एग्ज़ाम दे, अगर वो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है और उसमें इंग्लिश अगर पूछी गई है तो रीडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन आता ही है. आप स्कूल्स के एग्ज़ाम्स देख लो, आप कॉलेज के एग्ज़ाम देख लो, कॉम्प्रिहेंसिव एक आता ही है आपको, राइट? तो हमें इसको कैसे लर्न करना है? सबसे पहले तो टॉप वर्ड्स की क्या बना लेनी है? लिस्ट. एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो नहीं बता रहा हूँ, घर पर कैसे स्टडी करना है वो मैं बता रहा हूँ ना. तो सबसे पहले हमें इसकी क्या करना है, एक लिस्ट बना लेनी है ना. हमने लिस्ट बना ली. लिस्ट बनाने के बाद मोबाइल अपना निकालिए या डिक्शनरी अगर आपके पास है तो डिक्शनरी निकालिए और उन सब वर्ड्स को सबसे पहले तो उनकी मीनिंग देख लो. अब कुछ वर्ड्स उसमें ऐसे मिलेंगे जिसके दो दो तीन तीन मीनिंग आपको डिक्शनरी मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर दिमाग ये लगाना है कि यहाँ पर एक कौन सा मीनिंग दे रहा होगा. समझ में आ रहा है? यहाँ पर एक कौन सा मीनिंग दे रहा होगा. जैसे देखो आपको एक वर्ड वहाँ पर दिखाई दिया, सा, एस डब्ल्यू सा, ठीक है. तो सा के दो मतलब होते हैं, एक आरी होता है, आर यू अंडरस्टैंड, है ना, और दूसरा ये सी की क्या है, सेकंड फॉर्म. अब मुझे बताइए अगर आपको सेंटेंस आता है कि आई सा अ लायन, राइट, तो यहाँ पर आरी मतलब निकलेगा इसका, यहाँ क्या मतलब निकलेगा, देखा. तो ये आपको थोड़ा सा अंडरस्टूड करना है कि अब ये जो सा वर्ड आया है ये सी के सेकंड फॉर्म के रूप में यहाँ पर आया है, क्योंकि यहाँ पर आई आपका क्या है, सब्जेक्ट. मतलब ये आपकी कौन सी फॉर्म है, वो आपकी सेकंड फॉर्म, राइट? बहुत समझ में आई नहीं है? तो आपको ऐसे जज करना है कि ये जो सा शब्द आया है ये आपकी वर्ब है ना कि आपका नाउन है. तो सबसे पहला काम क्या किया आपने, सब टॉप वर्ड्स की क्या बना ली? देखो भैया जीरो लेवल से जो लोग शुरुआत कर रहे हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ सबसे पहले, और जिनको आता है ना करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो भी सुने यहाँ से, कुछ ऐसी चीज़ें शायद जो उनको नहीं आती वो आज पता चलेगी, राइट? पहले तो लिस्ट हमने पूरी तैयार कर ली. लिस्ट तैयार करने के बाद सब वर्ड के मीनिंग सर्च करके उनके सामने लिख लिए. अब सेकंड जो सबसे मेजर और मेन काम है वो ये देखना है कि उसमें मेन सेंटेंस ऐसा कौन सा है जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मतलब ऐसा कौन सा टेंस है जिसका सबसे ज़्यादा उसमें यूज़ हो रहा है. तो आपको जो स्टोरी लिखा है अ डिसोनेस्ट मिल्कमैन, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा टेंस यूज हुआ है? पास्ट टेंस. और पास्ट टेंस में कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट टेंस. तो दिमाग में एक चीज तो क्लियर हमारे हो गई कि सिंपल पास्ट टेंस में पूरी स्टोरी है, राइट? अब आप जब स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपकी सबसे पहली लाइन बुक में देखेंगे, उसमें लिखा है अ डिसोनेस्ट मिल्कमैन, राइट? ये टाइटल है आपका और उसमें लिखा है
A milkman became very wealthy through dishonest means. Right? अब देखना इस वर्ड को. A milkman, एक दूध वाला है ना. Became कौन सी फॉर्म? Yes, second form, right? So a milkman became very wealthy through dishonest means. एक दूध वाला बेईमानी के तरीके से बहुत अमीर बन गया. यहाँ पर through मुझे कोई बताएगा क्या है? Say. So what say? Preposition. Very good. समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आया. A milkman. A क्या है यहाँ पर? Article. A क्या है? Article. देखो ये लाइन जो आपको आई a dishonest milkman, तो आपको दिया है कि a milkman became very wealthy through. अब मुझे कोई बताएगा यहां पर ये जो वर्ड आ रहा है dishonest means, इसका मतलब क्या निकलता है? देखो बेईमानी और मींस क्या होता है? मींस मतलब होता है साधन. क्या होता है? डिसोनेस्ट मींस मतलब बेईमानी का जरिया, बेईमानी के सोर्स से, बेईमानी के तरीके से. राइट? तो यहां पर ये जो थ्रू वर्ड आया है इसका मतलब यहां निकल रहा से. राइट? अ मिल्कमैन बिकेम इट्स अ सेकंड फॉर्म. गॉट इट? इट्स अ सेकंड फॉर्म. तो आप क्या कहेंगे? अ मिल्कमैन बिकेम वेरी वेल्दी थ्रू डिसोनेस्ट मींस. एक दूध वाला बेईमानी के तरीके से बहुत अमीर बन गया. बात समझ में आई? अगला आपकी लाइन देखो. अगली लाइन क्या है? He had to cross a river daily. आपने ध्यान दिया होगा उसमें कि उसमें a river लिखा है. A river मतलब एक नदी. राइट? और यहां पर भी मिल्कमैन के आगे क्या लगा है? यहां पर नदी के आगे क्या लगा है? कोई मुझे बताएगा ऐसा क्यों हुआ? एग्जैक्टली. ये मैंने आपको आर्टिकल में बताया था. यहाँ पर मिल्कमैन इंडेफिनिट है इसलिए ए लगा. यहाँ पर रिवर इंडेफिनिट है इसलिए ए लगा. अब दोबारा जब इनका जिक्र होगा स्टोरी में तो आपको क्या लगा दिखेगा? द लगा दिखेगा. मतलब अगर आप आगे बोलते हो कि अ मिल्कमैन बिकेम वेरी वेल्दी थ्रू डिसोनेस्ट मिल, और आप आगे बोले द मिल्कमैन वॉज ग्रीडी, तो आप अगली लाइन क्या कहोगे? द मिल्कमैन वॉज ग्रीडी कि अ मिल्कमैन वॉज ग्रीडी? यस. अब आपको द मिल्कमैन क्यों बोलना पड़ेगा? एग्जैक्टली. समझ में आ रहा है? क्योंकि वो आप क्या हो गया है? डेफिनेट नाउन बन गया. मतलब डेफिनेट नाउन अगर वो हो गया तो उसके आगे डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा, और अगर वो इंडेफिनेट आर्टिकल तो उसके आगे आर्टिकल ए और एन लगेगा. बात समझ में आ रही है? आ रही नहीं आ रही? ओके चलो अब इधर देखेंगे सभी. सो आपने कहा ही हैड टू क्रॉस अ रिवर. अब मुझे बताओ हैड टू सबने पढ़ा है? क्या मतलब होता है? ही हैड टू क्रॉस अ रिवर. उसको एक नदी को पार करना पड़ता था डेली. अब यहां पर लगाया आपने टू. कोई मुझे बताएगा टू क्या है? टू आपका टू इन्फिनिटिव है. टू आपका क्या है? टू इन्फिनिटिव. टू इन्फिनिटिव मतलब जहां पर भी किसी सेंटेंस के लास्ट में आप के लिए का मीनिंग देना चाहते हैं तो आप लास्ट में टू लगा दो. जैसे देखो मैंने कहा मेरे पास पेन है, तो आप क्या कहोगे बोलो? देखिए प्लीज, आपने कहा मेरे पास पेन है तो आप क्या कहेंगे? अब आपने कहा मेरे पास पेन है लिखने के लिए. वेरी गुड बच्चों. पेन टू राइट. तो ये जो टू राइट आपने लिखा है इट्स अ टू इन्फिनेटिव. आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली. आप बिना झिझक इसको कहीं भी लगा सकते हैं. आप कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, आप परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, आप कोई सा भी टेंस हो उस टेंस में आप टू इन्फिनेटिव को बेझिझक यूज कर सकते हैं. है ना? मैंने कहा ये पेन है तो आप क्या कहोगे लिखने के लिए? टू राइट. आर यू गेटिंग? मेरे पास सेलफोन है मूवी देखने के लिए. आई हैव सेल फोन टू वॉच मूवी. दैट्स ईजी. राइट? तो देखो यहां पर क्या टू इन्फिनिटी लग रहा है? ही हैड टू क्रॉस अ रिवर डेली टू रीच द सिटी वेयर हिज कस्टमर्स लीव की लिव्ड. अब मुझे कोई बताएगा कि सिटी के आगे द क्यों लगाए? क्योंकि यहां पर सिटी किसके पहले लगी है? वेयर के पहले. मतलब यहां पर आप सिटी के बारे में बात करो उसी सिटी में जहां उसे, जहां उसके कस्टमर रहते थे, इसलिए सिटी कैसी हो गई? डेफिनेट हो गई. अगर यहां पर आपको ए लगा दोगे तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा. यहां पर ग्रामर वाले स्टूडेंट्स स्पेशली जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ज्यादा ध्यान से देखें. है ना? आपको सेंटेंस ऐसा दिया जा सकता है एग्जाम में,
ही हैड टू क्रॉस अ रिवर डेली टू रीच अ सिटी वेयर इज कस्टमर लिव्ड, और आपसे कहेंगे फाइंड आउट देयर. तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर सिटी के आगे क्या लगा है, वेयर कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन. स्पेशली कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ टॉपिक में रिलेटिव प्रोनाउन, उनको मैंने बताया था यहाँ पर वेयर का मतलब कहाँ नहीं निकल रहा है, क्या निकल रहा है, जहाँ जहाँ उसके कस्टमर रहते थे. मतलब यहाँ पर सिटी आपका डेफिनेट है, इसलिए क्या लगाना पड़ेगा आपको, राइट. बात समझ में आ रही है. चलिए तो हिज कस्टमर लिव्ड. अब देखो यहाँ पर लिव्ड मतलब कौन सा टेंस, सिंपल पास्ट. बात समझ में आई, अरे आ रही नहीं आ रही. अब देखो एक बार शुरू से यहाँ तक देखते हैं. अ मिल्कमैन बिकेम वेरी वेल्दी थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स ही हैड टू क्रॉस अ रिवर डेली टू रीच द सिटी वेयर हिज कस्टमर लिव्ड. ही हैड टू, उसे करना पड़ता था क्रॉस पार अ रिवर, एक नदी, डेली रोज टू रीच शहर पहुंचने के लिए, राइट, सिटी पहुंचने के लिए वेयर हिज कस्टमर लिव्ड, जहां उसके कस्टमर रहते थे. दैट इज द मीनिंग. अब आगे बढ़े. अब अगला बोलो क्या है. ही मिक्स्ड वाटर ऑफ द रिवर. अब देखो आपको लाइन में दिखेगा कि ही मिक्स्ड लिखा है हमने, मैंने मिक्स लिखा है यहां पर, ईडी लगा देता हूं मैं. अब मुझे बताओ यहां पर मिक्स्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ही मिक्स्ड द वाटर. अच्छा आज तक कभी पानी के आगे द लगाया है हमने, बट यहां क्यों द लग रहा है, कोई बताएगा मुझे. यस ओके ओके ओके, आई हैव अंडरस्टूड. सी इसका कंसेप्ट क्या है, जिन स्टूडेंट्स को इस बारे में नहीं पता है वो सुनेंगे सभी ध्यान से. अगर आप कहे कि मैं पानी पी रहा हूं तो आप क्या कहेंगे, आई एम ड्रिंकिंग वाटर. क्या आप द लगाओगे, यू आर नॉट गोइंग टू यूज द. व्हाई, क्योंकि पानी यहां पर आपका अनकाउंटेबल नाउन है. और हमने क्या पढ़ा आर्टिकल में कि वी डू नॉट अप्लाई एनी आर्टिकल बिफोर एनी अनकाउंटेबल नाउन. तो यहां फिर द क्यों लगाया पानी के आगे, क्योंकि यहां पर जो सबसे मेन है उसी नदी का पानी जिस नदी को वो पार करता था. तो यहां पर देखो अगर एक रूल मैं आपको बताना चाहूं तो एक रूल होता है कि अनकाउंटेबल नाउन अगर आए और बीच में ऑफ आए और फिर क्या है आपका कोई सा भी नाउन आ जाए, ठीक है, रूल क्या है बताओ, अनकाउंटेबल नाउन ऑफ प्लस नाउन तो आगे क्या लगेगा, द लगेगा. ये रूल है ग्रामर का. दैट्स व्हाई इसके आगे क्या लगा रहा हूं, द लगा रहा हूं. अगर मैं इसके आगे ए लगा दूंगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्या लगाना पड़ेगा आपको, द लगाना पड़ेगा, राइट. जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, आपके घर के सामने कुआं है और आपने कहा इस कुएं का पानी गंदा है, इस कुएं का पानी, तो आप इंग्लिश में बता क्या कहोगे, आप कहोगे द वाटर ऑफ दिस वेल इज डर्टी. अब मुझे बताओ आपने कहा द वाटर ऑफ दिस वेल इज डर्टी, आपने यहां पर आगे क्या लगाया, अच्छा द क्यों लगाया भैया, यस बिकॉज यहां पर आप जो है किसकी बात कर रहे हो, उस स्पेशल पानी की, उस डेफिनेट पानी की जो उस कुएं में, सभी पानी के अंदर तो रही है. जैसे आपने कहा आई एम ड्रिंकिंग द वाटर, आप ये नहीं बोल सकते, आप शी इज ड्रिंकिंग द वाटर, ये गलत हो जाएगा. लेकिन आपने क्या कहा, द वाटर ऑफ दिस वेल मतलब इसी कुएं का पानी. समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इसलिए पानी के आगे क्या लगाया हमने, तो यहां पर भी वही कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है. आप अगर ध्यान से देखें, सो ही मिक्स्ड सेकंड फॉर्म लगाई है, वो मिला देता था द वाटर ऑफ द रिवर, नदी का पानी, राइट, जेनरसली, इजिली, आसानी से, विद द मिल्क, दूध के साथ, राइट. ही मिक्स्ड, देखिए प्लीज, ही मिक्स्ड सेकंड फॉर्म द वाटर ऑफ द रिवर इजिली या जेनरसली विद द. अब मुझे देख बताओ यहां पर मिल्क के आगे क्या लगा, द लगा, मतलब कौन सा मिल्क, जो वो बेचने जाता था उसी मिल्क के साथ, विद द मिल्क, राइट, दैट ही सोल्ड फॉर अ गुड प्रॉफिट, राइट, जिसे वो अच्छे लाभ पर बेचता था. अब देखना यहां पर दैट का मतलब क्या निकल रहा है, द मिल्क जिसे या जो, समझ में आ रहा है, ये भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है. समझ में आ रहा नहीं आ रहा, दैट जो इसका मतलब दे रहा है, ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स को ये टॉपिक में पढ़ा चुका हूं, राइट. अब देखिए इधर, ही मिक्स जो वो मिला देता था द वाटर ऑफ द रिवर, नदी का पानी, इजिली, आसानी से, विद द मिल्क, दूध के साथ, दैट ही सोल्ड, जिसे वो बेचता था फॉर अ गुड प्रॉफिट, अच्छे लाभ पर. अब आपके सामने जो सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस में मुझे आप बताइए, आप एक कॉन्ट्रास्ट देख रहे हैं, यहां पर क्या लिखा है, द रिवर, और एक जगह आपका लिखा हुआ है,
ऐसा क्यों हुआ कोई बताएगा? यहां पर अ रिवर और यहां पर द रिवर, क्या डिफरेंस है दोनों रिवर में? यहां पर जो रिवर है वो इंडेफिनिट है, इसलिए ए लगा है, क्योंकि रिवर का जिक्र फर्स्ट टाइम हुआ है, और यहां पर जो रिवर है आपकी वो यस वो डेफिनेट हो गई, इसलिए उसके आगे द लगा है। आर यू गेटिंग? ऐसे स्टूडेंट जो कि इस चीज को फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे हैं, उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट मेरी है, नोट बिल्कुल नहीं अभी कुछ करेंगे, सिर्फ सुनेंगे अभी। आप कंसेप्ट को समझिए ट्रांसलेशन को, ठीक है ना? आप जिस दिन इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे, आई गारंटी यू आपको इंग्लिश जो है बहुत ईजिली समझ में आएगी। लेकिन ये कब आएगी आपको पता है? जब आप जो है जितनी भी चीज़ें आप लर्न कर रहे हैं उन सब चीज़ों को सीरियसली और सिंसियरली लेंगे तब। कभी भी इग्नोर करना है, टालना मत सीखो। अगर आप कोई स्टोरी भी पढ़ रहे हो ना छोटे छोटे बच्चों की, आप देखा छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, स्पेशली जो स्कूल्स गोइंग स्टूडेंट हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ते हैं, है ना, फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे, तो उनकी बुक्स लो आप स्टोरी की और उसको पढ़ो पहले, और उसमें देखो कितनी छोटी छोटी और सिंपल सिंपल स्टोरीज़ हैं। और कभी कभी क्या होता है कोई स्टोरी समझ में नहीं आती तो हम इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करना बंद करो, ये देखो कि अगर यहाँ पर ऑफ लगा तो क्यों लगा, यहाँ द लगा तो क्यों लगा, यहाँ ही आया तो क्यों आया। हर एक रीज़न होता है हर एक चीज़ का। जैसे आप हिंदी में बोलते हो ना, मैंने उसे पेन दिया, आपने ऐसा क्यों नहीं कहा मैं उसे पेन दिया? मैंने क्यों बोला, मैं क्यों नहीं बोला? क्योंकि इस सेंटेंस में मैं नहीं जमता है, मैं नहीं बोलते हैं, मैंने बोलते हैं, सही है? तो हिंदी ग्रामर के भी अपने कुछ स्पेसिफिक रूल है, तो वैसे ही रूल किसके भी होते हैं? इंग्लिश के भी होते हैं। तो हमें जो है उस चीज़ को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, राइट? आप जब उसे समझेंगे तो आपको सब चीज़ें ना धीरे 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 सब क्लियर होती है, और ये एक दो दिन में नहीं होता। आप ये मत सोचना कि आज आपको मैं एक स्टोरी पढ़ाना सिखाऊंगा तो कल से आप स्टोरी के ट्रांसलेटर बन जाओगे, जी नहीं। अभी आपको और भी दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप आदि नहीं होंगे, हैबिचुअल नहीं होंगे बार बार पढ़ने के, तब तक आपको चीज़ें नहीं क्लियर होंगी। आपको तो समय तो देना पड़ेगा, आप समझिए इस बात को, आपको समय देना ही पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना देना पड़ेगा, चीज़ों पर अपनी पूरी कमांड करनी होगी। अब आगे देखिए क्या होता है आगे। देखो वन डे, एक दिन, ही वेंट, वह गया, अराउंड कलेक्टिंग भी बोल सकते हो या फोर कलेक्टिंग भी बोल सकते हो, फोर कलेक्टिंग, कलेक्टिंग द ड्यूज, इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट वेडिंग ऑफिस। अब देखो अब स्टोरी को ध्यान से समझना है, देखना क्या किया हमने भैया। वन डे, एक, ही वेंट, वो गया, फोर कलेक्टिंग, अराउंड कलेक्टिंग, के लिए, क्या कहोगे यहाँ पर? हमेशा याद रखना जब किसी वर्ब प्रीपोजिशन के बाद में यदि कोई सी वर्ब आए, किसके बाद में? यदि किसी प्रीपोजिशन के बाद में यदि कोई वर्ब आती है तो उसमें हमेशा आईएनजी लगता है, ग्रामर का रूल है। क्या रूल है भैया? किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में यदि क्या लगता है? यस, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो उसमें हम क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं, यह बात याद रखना, ठीक है? सो ही वेंट फॉर कलेक्टिंग द ड्यूज इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट द वेडिंग ऑफ हिज सन, अपने बेटे की शादी करने के लिए। देखो हिंदी का मतलब निकालना, वन डे, एक दिन, इवेंट, गया, फॉर कलेक्टिंग द ड्यूज। ड्यूज मतलब क्या होता है? बकाया, रिमेनिंग अमाउंट, बोलते ना कि आपका ड्यूज रहा है, रिमेनिंग अमाउंट रहा है, तो रिमेनिंग अमाउंट को कहते हैं ड्यूज। इन ऑर्डर टू, एक फ्रेजल प्रिपोजिशन है जो मॉर्निंग वाले बैच में पढ़ा चुका हूँ, इन ऑर्डर टू पढ़ाया था मैंने। इन ऑर्डर टू मतलब के वास्ते, के लिए, कौन सी प्रिपोजिशन है? फ्रेजल प्रिपोजिशन। मैंने आपको टाइप बताया था प्रिपोजिशन कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, कौन कौन सी? सिंपल प्रिपोजिशन, कंपाउंड प्रिपोजिशन एंड फ्रेजल प्रिपोजिशन, गॉट इट? तो ये कौन सी प्रिपोजिशन है आपकी? फ्रेजल प्रिपोजिशन, जिसका मतलब क्या निकल रहा है? इन ऑर्डर टू का, के लिए, के वास्ते, तो किसके लिए गया? और देखो ये टू के बाद में हमेशा वो आपकी कौन सी फॉर्म, कौन सी फॉर्म, इसलिए सेलिब्रेटिंग आएगा कि सेलिब्रेट आएगा? यस। ऐसे भी आपको एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, एरर में क्वेश्चन आ सकता है कि ही वेंट अराउंड कलेक्टिंग द ड्यूज इन ऑर्डर टू सेलिब्रेटिंग द वेडिंग ऑफ हिज सन। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि सेलिब्रेट आएगा यहां पर टू के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, राइट? आगे देखिए, ही वेंट अराउंड, ही वेंट फॉर कलेक्टिंग द ड्यूज इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट द वेडिंग। वेडिंग मतलब क्या होता है? मैरिज, वेडिंग।
ऑफ हिज सन उसके बेटे की। अच्छा मुझे ये बताएंगे ये हिज किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पर? मिल्कमैन के लिए। ये मिल्कमैन का पजेसिव है, क्या है? पजेसिव समझ में आता है ना? ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ, आई, मी, माय, माइन एंड माई सेल्फ। पढ़ा ना सबने? नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। गॉट इट एवरीबॉडी? देखो आप ये भी नोटिस कर रहे हो ना कि जब तक हम जितने भी ग्रामेटिकल रूल हैं, है ना, बेसिक जितना भी है वो कंप्लीट नहीं करेंगे, इसमें दिक्कत आएगी भी है। आप में से ऐसे लोग जो कि अभी इन चीज़ों को जिन्होंने नहीं पढ़ा है, शायद उनको ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटिव लग रही होगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है पता है? स्टोरी को समझने के लिए, कुछ भी टेक्स्ट को इंग्लिश के समझने के लिए, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट से पहले वो क्लियर करने पड़े। पूरा 12 टेंस को अच्छे समझना होगा, राइट? 12 मॉडल्स जो आपके बेसिक है वो भी अच्छे समझने होंगे। टू बी टू का यूज़ कैसे होता है वो पूरा अच्छे समझना होगा, राइट? जितनी भी चीज़ें हैं उनको सबसे पहले आपको सिस्टमेटिकली अच्छे से लर्न करना होगा, तो ही आप अच्छा कर पाओगे और अपना बेस्ट दे पाओगे। आप अगर ये सोचे कि बिना लर्न किए, बिना अच्छे से समझे आप लर्न कर लो, तो पॉसिबल नहीं है भैया। जब तक पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आप में से जैसे अभी मैं जब समझा रहा था तो कुछ स्टूडेंट्स को तो पूरी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही थी। रीज़न क्या है? यस, क्योंकि सब चीज़ें पढ़ ली हैं उन्होंने क्लास में, उनको क्लास में हर चीज़ पढ़ाई गई है। जैसे आप में से कुछ लोगों को अभी समझ में नहीं आया रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो यहाँ वेयर रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, फोर आपकी प्रीपोजिशन है, ए आपका आर्टिकल है, गुड आपका एडजेक्टिव, प्रोविड आपका नाउन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको हर वर्ड को समझना है, ठीक है, कि हर वर्ड का मतलब क्या निकल रहा है, यहाँ पर ये वर्ड क्यों यूज़ हुआ है। जब इन सब चीज़ों को समझ के हम स्टडी करते हैं तो एग्जैक्ट फिर हम सही कर पाते और अपना बेस्ट दे पाते। आर यू गेटिंग एवरीबॉडी? बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का? अरे सो रहे हो? नींद में हो? जग रहे हो? रियली? ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलो आगे देखते हैं, अपन स्टोरी को दी एंड करते हैं। वेडिंग ऑफ सन क्या हुआ भैया फिर आगे? अब देखो, अब आप देखेंगे भैया, जब उसने ये सब चीजें करी तो उसको एक बड़ी रकम मिली, तो हम बोलेंगे विद द लार्ज अमाउंट, बड़ी दस कलेक्टेड। अब यहां पर आधा से ज्यादा हिंदुस्तान कंफ्यूज हो जाता भी है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये क्या कंसेप्ट है, ये हमको समझ में नहीं आता है। ये कुछ लोग पूछते हैं THUS दस क्या है, तो आप उस दस को यहां नहीं पढ़े हैं, उस दस को यहां मानकर चले हैं। ये जो विथ है ना, विथ के आगे यहां पर लेकर चले उसको। तो इस प्रकार विद द लार्ज अमाउंट कलेक्टेड, विद द लार्ज अमाउंट कलेक्टेड, तो ये इसको सब्जेक्ट मान लो, कलेक्टेड को क्या मान लो? वर्ब मान लो। इस प्रकार बड़ी रकम कलेक्ट हुई, कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट टेंस, राइट? ऐसा है एक्चुअल में। विद द लार्ज अमाउंट दस कलेक्टेड, और आगे ही परचेज्ड प्लेंटी ऑफ। देखिए एक मिनट, अब आप ध्यान देना थोड़ा सा, ही परचेज्ड कौन सा टेंस? अच्छा मुझे कोई बताया गया प्लेंटी ऑफ यहां पर क्या आया? प्लेंटी ऑफ मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, क्या होता है? एम्पल, पेंटी, है ना? सो प्लेंटी ऑफ मतलब क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में। प्लेंटी ऑफ रिच क्लॉथ मतलब पर्याप्त मात्रा में क्या खरीदे उसने? एंड ग्लिटरिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स। गॉट इट? अब देखना बच्चों, एक मिनट, यहां एंड लगा और एंड के बाद ग्लिटरिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ये पूरा का पूरा फ्रेजेस, इसका मतलब कोई बताएगा मुझे? नाउन फ्रेजेस, इसका मतलब क्या होता है? ग्लिटरिंग मतलब चमकदार, गोल्ड ऑर्नामेंट्स मतलब, यस। तो यहां पर पता है दो सेंटेंस थे आपके, जानना चाहते हो दो सेंटेंस कौन कौन से थे? देखिए आपके दो सेंटेंस जो थे, एक था ही परचेज्ड, राइट? पहला कौन सा था? ही परचेज्ड प्लेंटी ऑफ रिच क्लॉथ, और दूसरा क्या था जानना चाहते हो आप? दूसरा था आपका एंड ही परचेज्ड ग्लाइटिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स। ये रहा आपका ग्लिटरिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स।
एक बात अपने दिमाग में अच्छे से क्लिक कर लेना सभी, कि इंग्लिश जो होती है, इंग्लिश क्या हिंदी, हर भाषा जो होती है किसी भी चीज़ के रिपीटेशन को रोकती है। यहाँ पर बताइए, ही परचेज्ड प्लेंटी ऑफ रिच क्लॉथ्स एंड ही परचेज्ड ग्लैटरिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स में क्या रिपीट हो रहा है? हो रहा नहीं हो रहा है? तो हमेशा याद रखिएगा, जो भी कोई चीज़ रिपीट होती है तो उसको बाहर कर दिया जाता है। तो हम इसको शॉर्ट में कहेंगे, ही परचेज्ड प्लेंटी ऑफ रिच क्लॉथ्स एंड ग्लाइटरिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स। बात समझ में आएगी नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पर ये जो एंड है ना आपका, ये आपका कंजक्शन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? इंग्लिश को समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? मतलब मैंने कहा ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंग्लिश। आप लोग क्या करते हैं, उसको पढ़ के बस भूल जाते हैं। हाँ, ये मीनिंग निकल रहा होगा। मीनिंग निकल नहीं रहा होगा, मीनिंग निकल रहा है यही, दैट आई वॉन्ट। मैं ये नहीं चाहता कि आप उसके आसपास पहुंचे, मैं चाहता हूं कि आप एग्जैक्टली सही पहुंचे। समझ में आ रहे हैं? दैट आई वॉन्ट, परफेक्शन चाहिए हमें अपने ट्रांसलेशन में, कि यही इसका मतलब है, और उस मतलब को हर कोई व्यक्ति फिर सही कहे, दैट वी हैव टू डू। ये नहीं कि पढ़ के हमने, जैसे आपने कुछ लोगों के साथ है एक अच्छी बात, कि वो लोग जो है भले ही मीनिंग, उन्होंने जब फर्स्ट डे क्लास आना शुरू किया था तो उनको जब स्टोरी पढ़ाई गई थी तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा समझ गए थे, बट क्या एकदम सही जगह जा रहे थे क्या? नहीं, दैट इज। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो एकदम एग्जैक्ट सही जगह पहुंचे, ठीक है ना? दैट आई वॉन्ट। आर यू गेटिंग? इस चीज को समझिए आप। मैं नहीं चाहता कि आप काम न करो, काम करें, एक काम ऐसा करें जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो और अच्छा हो। मैंने कहा था ना, मैं अपने हर बेच में कहता हूँ एक बात, कि काम करो तो अच्छे से करो, अदरवाइज मत करो। काम करो तो अच्छे से करो, नहीं तो मत करो। झाड़ू लगा रहे हो तो झाड़ू भी ऐसी लगाओ कि लोग कहे कि नहीं यार, यहाँ का झाड़ू लगाने वाला जो है वो अच्छे साफ सफाई करता है, क्या क्लीननेस है, मजा आ गई। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? दैट इज वाई, अगर ट्रांसलेशन कर रहे हो हिंदी में लिखी हुई चीज़ों को, इंग्लिश में लिखी हुई चीज़ों को हिंदी कर रहे हो तो परफेक्शन के साथ करो, और हिंदी में लिखी हुई चीज़ों को इंग्लिश में कर रहे हो तो आसपास मीनिंग नहीं जाना चाहिए, एग्जैक्टली सही मीनिंग जाना चाहिए, दैट आई वॉन्ट, तभी मजा आता काम करने। चलिए इधर देखिए सभी। सो हमारा जो सेंटेंस है, ही परचेज प्लेंटी ऑफ रिच क्लॉथ्स एंड ग्लाइटरिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स, मैंने एक मिस्टेक करी यहाँ पर, ऐसा आएगा, है ना? अब आगे क्या हो रहा है? हाँ, अब आगे क्या हो रहा है बताइए। ओके, अब मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना? देखिए, बट वाइल, आप ध्यान दे रहे हैं, वाइल के बाद क्या लगा? वाइल आपकी प्रिपोजिशन है ना, और वाइल आपकी कंजक्शन भी है, कंजक्शन में जब का मतलब देता है ना, कंजक्शन एक अलग टॉपिक हो जाता है। सो बट वाइल क्रॉसिंग द, लेकिन नदी को पार करते वक्त, द बोट कैप्साइज्ड एंड ऑल हिज परचेसेस वर स्वेलोड बाय द। बात समझ में आएगी? देखो यहां पर एस लगेगा, देखिए प्लीज। बट वाइल क्रॉसिंग द रिवर, लेकिन नदी को पार करते वक्त, आप अगर ध्यान से देखें तो यहां पर क्रॉस में क्या लगा है आपको? आईएनजी लगा। अच्छा, आईएनजी क्यों लगाया हमने? क्योंकि किसी भी प्रिपोजिशन के बाद में वर्ब में क्या लगाते हैं अपन? आईएनजी लगाते हैं, दैट इज व्हाई। बट व्हाइल क्रॉसिंग द रिवर द बोट कैप्साइज्ड, यहां पर बोट के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई? सेकंड फॉर्म, राइट? द बोट कैप्साइज्ड एंड ऑल हिज कॉस्टली परचेसेस वर स्वेलोड बाय द रिवर, राइट? यहां पर ये जो सेंटेंस है, ऑल द कॉस्टली परचेसेस, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका यहां पर वॉज वर लिखा हुआ है, ये वी थ्री, ये बाय, और ये सब्जेक्ट। कोई बताया गया किस में चला गया? पैसिव वॉइस में चला गया। आर यू गेटिंग? ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका वॉज वर हो गया, ये आपका वी थ्री हो गया, ये आपका बाय हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, दैट इज। अरे समझ में आ रहा है? मतलब आपने इसको इस तरीके से निकालना कि बट वाइल क्रॉसिंग द रिवर द बोट कैप्साइज्ड एंड ऑल हिज कॉस्टली परचेसेस वर स्वेलोड बाय द रिवर, और उसकी सारी महंगी खरीदारी किसके द्वारा निकल ली गई? नदी के द्वारा। तो यार, नदी आपका क्या है पता है? सब्जेक्ट है। नदी क्या है? ऑल इज कॉस्टली परचेसेस क्या है? ऑब्जेक्ट, राइट? और यहां पर आप वॉज वेयर लगा रहे हैं तो आपने वर क्यों लगाया बताएंगे मुझे आप? क्योंकि कॉस्टली परचेसेस प्लूरल है। यहां पर परचेसेस कोई मुझे बताएगा वर्ब है कि नाउन है? नाउन है, तभी तो उसके आगे क्या लगा है? ऑल कॉस्टली परचेसेस, सारी महंगी खरीदारी,
खरीदना और खरीदारी में अंतर है, समझ में आ रहा है? खरीदना मतलब परचेस होता है, टू परचेस, और खरीदारी को बोलते हैं परचेसेस। क्या बोलते हैं? Purchases. खरीदारी समझते हो ना? Yes, he has gone for purchases. He has gone for purchases. वह खरीदारी के लिए गया है, एंड ही इज परचेसिंग समथिंग, और वह कुछ खरीद रहा है। तो दोनों बहुत डिफरेंस है, देयर इज अ मेजर डिफरेंस, राइट? जबकि वर्ड दोनों एक ही है। चलिए आगे बोलिए, अगला क्या आपका? द मिल्क वेंडर वॉज स्पीचलेस। अब देखो, द मिल्क वेंडर वॉज स्पीचलेस विद ग्रीफ। जो मिल्क वेंडर था दुख से स्पीचलेस हो गया। द मिल्क वेंडर वॉज स्पीचलेस, क्या हो गया? स्पीचलेस हो गया विद ग्रीफ, दुख से, राइट? देन वॉट हैपेंड? एट दैट टाइम, उसी समय, ही हर्ड अ वॉइस, उसने क्या सुनी? एक आवाज सुनी। ही हर्ड, अब देखो हियर्ड कौन सी फॉर्म आई? सेकेंड फॉर्म। किसकी सेकेंड फॉर्म? हियर की, वेरी गुड। तो उसने आवाज सुनी, राइट? ही हर्ड अ वॉइस, अ वॉइस मतलब एक आवाज। देखो उसमें, अच्छा मुझे कोई बताएगा कि उसमें हमने लिसन वर्ड क्यों नहीं यूज किया, हियर वर्ड ही क्यों यूज किया? यस, ये एक बार मैंने क्लास में बताया था, जिनको नहीं पता सुनेंगे। लिसन और हियर दोनों का मतलब बच्चों सुनना होता है, लेकिन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, राइट? लिसन जब आप, मैं बोल रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं, तो ये क्या है? लिसन, समझ में आ रहा है? लेकिन हियर मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, लेकिन बाहर से ऑटो की आपको आवाज़ आ रही है, बसेस की आपको आवाज़ आ रही है, ट्रक की आपको आवाज़ आ रही है, वो आपको हियर हो रही है। तो जो वॉइस हम डायरेक्ट सुनते हैं वो किस में यूज़ होती है? लिसन। और जो इनडायरेक्टली सुनाई पड़ती है, सुनना हम सुन नहीं रहे थे उसे, लेकिन वो क्या होती है? सुनाई देती है, एग्जैक्टली। तो सुनाई देना जो होता है वो आपका हियर होता है, दैट इज। तो उसको एक आवाज़ सुनाई दी, दैट केम फ्रॉम रिवर, जो कहाँ से आई? रिवर से। और वो आवाज़ क्या थी? डोंट वीप, रो मत, वॉट एवर यू हैव लॉस्ट, वॉट यू हैव लॉस्ट, इट वॉज द इलिसिट गेंस, जो भी तुमने क्या किया है। देख एक वर्ड आया बच्चों, इलिसिट गेंस, इसका मतलब होता है अवैध कमाई। क्या होता है? इलिसिट गेंस या इलीगल गेंस। इलिसिट गेंस मतलब इलीगल अर्निंग, जो कुछ भी आप इलीगल तरीके से अर्न करते हो उसे कहते हैं। अब अगर ध्यान से देखो तो ये किससे बना है पता है? लिसिट से। किससे बना है? और इलीगल किससे बना है? एल लगा दो तो इलिसिट हो जाएगा, और लीगल के आगे भी आई एल लगा दो तो क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा। ये छोटा सा ही डिफरेंस है इसके बीच, राइट? लिसिट इलिसिट, लीगल इलीगल, बात समझ में आ रही है? रियली, इज एवरीथिंग ओके? इज एवरीथिंग क्लियर? पक्का पक्का? सो फ्रेंड्स, इट वॉज अ स्टोरी दैट वी हैव रीड, बहुत ही सिंपल और साधारण स्टोरी थी। अब देखो इसमें हमने जो समझने वाली बात जो सीखी वो ये कि सबसे पहले तो कुछ भी रीड करने से पहले हमें क्या करना है? मेक द लिस्ट ऑफ ऑल द टर्म वर्ड्स, द फर्स्ट जॉब दैट वी हैव टू डू। सेकेंड, वी हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग, राइट? सबके मीनिंग सर्च कर लो उसमें। सेकंड टिप्स जो मैंने आपको दी थी वो क्या दी? यस, जो मेन सेंटेंस उसमें आ रहा है सबसे पहले उस पर टारगेट करो, वो कौन से टेंस का, वो प्रेजेंट का आ रहा है, वो पास्ट का आ रहा है, ये फ्यूचर का। और अगर आपको स्टोरी पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली वो कन्वर्सेशन ज़्यादातर किस में जाता है? पास्ट टेंस, ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं, राइट? तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो रहेगा वो ये दे रहेगा कि उसके अंदर हमें टारगेट करना है कंजक्शंस को, प्रीपोजिशंस की, कौन कौन सी प्रीपोजिशंस और कौन कौन सी कंजक्शंस उसमें आ रही हैं, ये सबसे पहले टारगेट करना। जितने भी प्रीपोजिशंस और कंजक्शंस आपकी आ रही है उन सब प्रीपोजिशंस कंजक्शंस को आप टारगेट करोगे, ये कंजक्शंस और प्रीपोजिशंस में आ रही है जो मुझे करनी है, दैट इज़।